भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं। बांदा के तिंदवारी से विधायक बृजेश प्रजापति, उनसे बात करते हैं। बड़ी बातें मंच से कही गई हैं आज, कई सारी मंच से बातें कही हैं, अखिलेश यादव ने कही और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही, और यही बातें 10 मार्च को सही होते हुए आप सब लोग देखेंगे भी। और पूरा उत्तर प्रदेश आज के बाद से माहौल बना लिया, ठान लिया पूरे उत्तर प्रदेश ने कि समाजवादियों की सरकार लानी है और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करना है, जो तय भी हो चुका है आज के बाद। अपने क्षेत्र में जब जनता के पास जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर आरोप लगाएगी कि आप लोग पाला बदल इसलिए कर लिए हैं क्योंकि आप लोगों का टिकट कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं थी हम में से किसी का टिकट काट देती। हम ही लोग गए तभी सरकार उनकी बनी, तो वनवास में थे वो लोग, हम लोगों ने उनका वनवास खत्म कराया था 2017 में, और हमारे जाने के बाद में पुनः वनवास उनको भेज दिया गया है। आज के बाद वो वनवास ही गिन रहे हैं, और जैसा कि माननीय अखिलेश जी कह भी रहे थे कि योगी जी आज उड़ लिए हैं गोरखपुर के लिए, तो हम लोग जो गरीबों कमजोरों की लड़ाई है उस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के साथ लेकर के लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा विकास किया है, क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, अब क्या रहेगा आप लोगों के लिए मुद्दा बताने के लिए क्षेत्र में? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, लोगों को लाठियां मारी गई जब लोग रोजगार मांगने के लिए आए। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है जनता के बीच में। हम लोग विकास के मुद्दे पर, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक के सम्मान के लिए चुनाव में जा रहे हैं। क्या आश्वासन मिला और किस टिकट, किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? आश्वासन का तो कोई मामला ही नहीं है, भाजपा को उखाड़ फेंकना, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी, बस यही काफी है। एक बार फिर से विधायक बनेंगे आप? जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसका पालन करेंगे। तो बृजेश प्रजापति साफ तौर पर कहते हुए कि पार्टी जो तय करेगी उस पर अमल किया जाएगा, बहुत खुश हैं, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहन ली है और भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय भी कह दिया है। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।